हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन एंड वेजेस सैलेड। ये एक ऐसी सैलेड है जो छोले चावल, राजमा चावल, पूरी सब्जी या इवन दाल चावल के साथ भी बहुत पसंद आती है। इसको आप बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन एंड वेजेस सैलेड। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है 2 प्याज जो मैंने छील के रखे हुए हैं, 1 बड़ा आलू जिसको मैंने छील के रखा हुआ है, 4 से 5 हरी मिर्च जो लंबी लंबी हमने काट के रखी हुई है, 1 नींबू। तलने के लिए हमने थोड़ा ऑयल लिया हुआ है। वेजेस बनाने के लिए जो हमें चाहिए मसाले, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच छोटा नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और सैलेड में डालने के लिए जो हमें मसाला चाहिए वो है थोड़ा सा सफ़ेद नमक आधी चम्मच, आधी चम्मच काला नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा आधी चम्मच के लगभग और आधी चम्मच सूखा हुआ बारीक पुदीना। आलू को लंबे लंबे हम इस प्रकार से काट लेंगे और इसके ऊपर थोड़े से मसाले डालकर इनको हम तलेंगे। अब आलू पे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे, जो हमने नमक लिया हुआ है थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स और ये ब्लैक पेपर, इन सबको डाल के हम इसको थोड़ा हल्का हल्का मिला देंगे जिससे ये आलू पे थोड़ा सा चिपक जाए। अब ये हमारे वेजेस तलने के लिए तैयार हैं, इनको हम ऑयल में तलें। ये हमने पैन गरम होने के लिए रखा है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे, जो हमने ऑयल लिया हुआ था 1 कटोरी, और इसको हम गरम होने देंगे। ये हमारे वेजेस हैं जिनको अब हम गरम तेल में फ्राई करेंगे लाल लाल। ये हमारा तेल अब गरम हो गया है, इसमें हमने ये जो वेजेस बनाए थे इसको हम एक एक करके डालेंगे और फ्राई करेंगे लाल होने तक। वेजेस आप घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार में भी बने बनाए वेजेस मिलते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आपके जो फ्रोज़न वेजेस आते हैं आप उनको भी फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने घर में ही कुछ वेजेस बनाए हैं। इनको हम अच्छे से लाल होने तक तलेंगे, गैस बहुत तेज नहीं, गैस को थोड़ा मीडियम कर दें और इसको तले। देखिए वेजेस थोड़े थोड़े गुलाबी होने लगे हैं, इनको 1-2 मिनट और करके थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएं, फिर हम गैस बंद कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये लाल से हो गए हैं, अब हम इनको थोड़ा सा ऑयल निकाल के ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बने होंगे, इनको आप ऐसे भी सॉस के साथ खा सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। अब ये हमारे वेजेस तैयार हैं सैलेड के लिए। ये जो छिले हुए प्याज हैं इनको हम या तो आपको छल्लों में पसंद है तो आप छल्ले काट सकते हैं, नहीं तो बीच में एक कट देकर इनको आप प्याज को इस टाइप से काट लेंगे। बहुत मोटे नहीं काटने हैं, ये दोनों प्याज हम काट लेंगे और काटने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे। ये हमारे प्याज कट गए हैं, अब इनको हम हाथ से थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे। ये सैलेड जब आपको खानी हो बस उसी समय तभी मिलाएंगे ये सारी चीज़ें, नहीं तो ये सौगी हो जाती है। अब हम इसमें ये कटी हुई लंबी मिर्च डालेंगे, जो हमने वेजेस फ्राई करके रखे हैं उनको डालेंगे। ये सारे जो मसाले थे हमारे, आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच नमक सफ़ेद, थोड़े चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ा सा सूखा पुदीना, ये सब डालकर हम इनको मिक्स करेंगे।
ये हमने जो एक नींबू था उसका रस निकाल के रखा हुआ है, इस नींबू के रस को हम इस सैलेड पे डाल देंगे और अच्छे से इसको टॉस करके मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हरे धनिए से गार्निश करके इसको खाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी अनियन एंड वेजेस सैलेड बिल्कुल तैयार है। इसको आप छोले चावल, राजमा चावल, पूरी सब्जी इनके साथ इस सलाद को खाएंगे तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। बहुत ही स्वादिष्ट सैलेड है। थैंक यू।